हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है लेटर राइटिंग। और इस सीरीज़ के अंदर हमने लेटर राइटिंग के बारे में बात की है। इससे पहले मेरे कुछ और वीडियो लेटर राइटिंग के ऊपर आए हैं, और आज हम फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत लेटर टू एडिटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि फॉर्मल लेटर के अंदर हम अधिकारियों को, एडिटर्स को लेटर लिखते हैं, तो एडिटर को हम पत्र कैसे लिखेंगे। यानी विभिन्न तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखिए, मान लीजिए कि इमेजिन दैट यू आर महेश लिविंग इन प्रताप नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी। यानी आपको अपने शहर के अंदर जो कानून और व्यवस्था की स्थिति जो ख़राब हो गई है, उसके ऊपर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आप एक लेटर लिखेंगे अखबार के एडिटर को, अखबार में छपवाने के लिए। एडिटर को जो हम पत्र लिखते हैं, इसका मतलब है हम अखबार में छपवा करके कंसर्निंग अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। जब भी मूल चीज़ जो लेटर राइटिंग की है, वो उन सारी कंडीशंस को हम इसमें भी फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कोई भी लेटर, चाहे वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, हम कुछ स्टेप्स का हम पालन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी सेंडर्स एड्रेस का मतलब सेल्फ एड्रेस, यानी लिखने वाले का पता। तो सबसे पहले हम लिखने वाले का पता लिखेंगे, और वो प्रश्न के अंदर ही होता है, क्वेश्चन के अंदर ही होता है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिखने वाला जो है वो महेश है, और ही लिव्स इन प्रताप नगर जयपुर। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज यू मस्ट राइट द एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स का एड्रेस, प्रताप नगर जयपुर। ये हमने सेंडर्स का एड्रेस लिख दिया। ये स्टेप वन फॉलो किया है हमने, और स्टेप टू के अंदर हमको डेट डालनी है। किसी भी लेटर के अंदर सेंडर एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ करके हमको डेट डालनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है डेट डाल देंगे, जिस दिन भी हम पत्र लिखते हैं उस दिन की। तो जैसे हमने आज पत्र लिखा है, और जैसे आज आपकी डेट है 28 अगस्त 2020, ये हमने डेट डाल दी। इसके बाद में हम अगला स्टेप लेंगे, रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र किसको लिख रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर एड्रेस हम शो करेंगे। तो जैसे हम लिख रहे हैं एडिटर को, किसको लिख रहे हैं, एडिटर, तो द एडिटर, द एडिटर। अब ये किसका एडिटर है, किसी भी एक पत्रिका का एडिटर है। तो जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, द एडिटर राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। अब ये राजस्थान पत्रिका कौन सी जगह छपती है वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर, झालाना डूंगरी जयपुर। अब अगला स्टेप हम देखेंगे वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा प्रश्न के अंदर ही छुपा रहता है। जैसे इस प्रश्न के अंदर जो सब्जेक्ट है, किस विषय पर हमको पत्र लिखना है, तो विषय है डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इसी के ऊपर हमको पत्र लिखना है, सब्जेक्ट डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन,
सिचुएशन इन द सिटी, इन द सिटी यानी शहर के अंदर बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी क्वेश्चन के अंदर ही जो विषय होता है वो आपको ढूंढना है, और कोई भी क्वेश्चन अपने आप में इस बात को बिल्कुल सीधे सीधे आपसे कहता है कि भाई ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में अगला स्टेप लेंगे हम सैल्यूटेशन, संबोधन। तो जैसे कि पिछले लेटर्स में मैंने आपको बताया था कि यदि हम हमारे रिलेटिव्स को या हमारे मित्रों को यानी इनफॉर्मल लेटर्स में संबोधन करते हैं तो वो अधिकतर माय डियर से शुरू होते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम है तो जैसे नाम अनिल है तो माय डियर अनिल। यदि आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो जैसे आप लिखेंगे माय डियर फादर। मदर को लिख रहे हैं तो माय डियर मदर, माय डियर आंट, माय डियर अंकल। लेकिन जब हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर संबोधन थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें हम या तो लिखेंगे डियर सर या अकेला सर भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया सर, सर। इसके बाद में अगली चीज़ है बॉडी ऑफ द लेटर, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लेटर। तो यहाँ पर ही हमको वो मैसेज कन्वे करना है जिसके बारे में क्वेश्चन हमको बताता है। क्वेश्चन हमको ये बताता है कि शहर के अंदर बिगड़ती हुई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में आपको एडिटर को पत्र लिखना है और कंसर्निंग अथॉरिटीज़ का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना है, जिससे कि उस समस्या का संबंधित अधिकारी निवारण कर सके। तो जो भी एडिटर को पत्र हम लिखते हैं उसमें ध्यान आकर्षित करवाया जाता है अधिकारियों का, तो उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज हम काम में लेंगे, जैसे TH थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम्स के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या पर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस तरह हम इसको आगे बढ़ा देंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटीज। इतना आपको लिखना है। जब भी आप एडिटर को पत्र लिखें तो ये स्पेशल लैंग्वेज आप काम में लीजिए, इन लाइनों को तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद में अबाउट करके या टुवार्ड्स करके आपको प्रश्न में से ही उस समस्या को उठाना है। जैसे अबाउट, किसके बारे में लिखना है आपको, किसके बारे में लिखना है, तो ये संबंधित कंसर्निंग जो लाइन है वो ये है, किसके बारे में, द डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी। तो अबाउट द डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर, सिचुएशन इन
अब जैसे यहाँ पर हमको अब शहर जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, उसका आपको उल्लेख करना है। अब जैसे हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जयपुर लिखेंगे, सिचुएशन इन माई सिटी जयपुर या इन जयपुर, इन जयपुर, ये इतना आपको लिखना है जब भी आप अधिकारियों को पत्र लिखें। तो इस तरीके से आपको ये कुछ लाइन टाइप्ड लाइन है जो आपको इस्तेमाल करनी है, और अबाउट के बाद में आप उस समस्या को यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको वो जो सिचुएशन यानी जो पूछा जा रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति किस तरह खराब है, उसका थोड़ा सा एक दो लाइन में हम हवाला देंगे। जैसे दूसरा पैराग्राफ बना देंगे, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ एन एनजीओ, यानी एक एनजीओ के सर्वे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ एनजीओ द क्राइम ऑफ, यानी विभिन्न तरह के क्राइम जो है, क्राइम ऑफ जैसे चैन स्नेचिंग, थेफ्ट यानी चैन चुराना या छीनना, चोरियां, चैन स्नेचिंग, थेफ्ट, रॉबरी, जैसे व्हीकल लिफ्टिंग, रेप, एंड मोलेस्टिंग, यानी विभिन्न तरह की ये जो क्राइम है, जैसे मोलेस्टिंग है, रॉबरी है, व्हीकल लिफ्टिंग है यानी गाड़ियाँ चुराना, रेप है, रॉबरी है, थेफ्ट है, चैन स्नेचिंग है, ये इस तरह के जो क्राइम है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो एंड मोलेस्टिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग रैपिडली इन द सिटी, शहर के अंदर, इन द सिटी। और ऐसा लगता है जैसे कोई कानून और व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, जैसे जंगल राज हो, किसी तरह का कोई होल्ड नहीं है अथॉरिटीज़ का। तो आप इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा हवाला दे सकते हो, इट सीम्स दैट देयर इज ए जंगल राज इन द सिटी, अब आप इसको, समस्या आपने पूरी यहाँ पर उतार दी है, अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी तरफ से कुछ सुझाव भी देंगे। तो जैसे अब ये बोर्ड में नीचे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाकी की चीज़ें। तो हम अब अधिकारियों से यानी संबंधित अधिकारियों से अपील करेंगे कि भाई एक बार समस्या का निवारण करें, जो है कदम उठाएं समस्या का निवारण करने के लिए, और एक बार फिर से शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम करने की कृपा करें। तो जैसे इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आई अपील टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज़
टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू मेक या टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी अगेन। ये इस तरीके से हमने हमारे सजेशन दे दिए कि आई अपील टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी अगेन। और अंत में हम इसका सब्सक्रिप्शन कर देंगे थैंक्स करके, थैंक्स या थैंकिंग यू, और योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन करेंगे फेथफुली, और फिर अपना सिग्नेचर कर देंगे, नाम लिख देंगे अपना। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम सुरेश है या महेश है या जो भी है, जो भी क्वेश्चन में आया है, जो भी क्वेश्चन में नाम आता है उस नाम को यहाँ पर हम लिखेंगे। नाम नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया कोई भी इमेजनरी नाम महेश। तो इस तरीके से हम एडिटर को पत्र लिखते हैं, और कुछ विशेष टाइप्ड लाइनों का भी हम ध्यान रखते हैं जब हम लेटर की शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम और दूसरे तरह के लेटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम और लेटर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरे वीडियोस देखते रहें। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि इसके अलावा यदि आपको लेटर्स में किसी भी तरह का कोई कमेंट डालना है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, तो मैं उनका ध्यान रखूँगा और जैसा आप चाहेंगे उस तरह का ही वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। यानी आपको कहीं कुछ ऐसा दिखे कि साहब हम तो इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे या इस तरह का हमको लेटर और आप बताइए, तो मैं उसमें उसी तरह के वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।